हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ दिस मेकअप लुक। गरबा के लिए बहुत ही परफेक्ट है और फेस्टिव सीजन के लिए भी बहुत ही परफेक्ट है। आई नो कि कोविड की वजह से इस बार गरबा और नवरात्रि धूमधाम से नहीं मनाई जाएगी, फिर भी हम थोड़ी बहुत तैयारी कर ही सकते हैं। इस आउटफिट के साथ मैंने एक बहुत ही प्यारा सा चोकर पेयर किया हुआ, आप देख सकते हैं। पर्ल लगा हुआ है, ऑक्सीडाइज ज्वेलरी है ये, और एक इयररिंग है जिसमें मिरर लगा हुआ है। देखने में बहुत ही भारी है बट ये वेयर करने पे बहुत ही लाइट है, ज़्यादा भारी नहीं है ये, इसे आप इजीली वेयर कर सकते हैं। एंड बिग साइज़ का यहाँ पे रिंग मैंने पहना हुआ है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। साथ में मैंने एक ब्रेसलेट पेयर किया हुआ है। एंड गाइस, जो भी मैंने ज्वेलरीज यहाँ पे पेयर किया हुआ है सभी मीशो से है, और इसकी वीडियो मैं आपके लिए बहुत ही जल्दी लेकर आने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एंड गाइस, गरबा में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ऑक्सीडाइज ज्वेलरी। इस तरह की ज्वेलरीज आप अपने पास ज़रूर रखिए गरबा सीज़न में, ये आपको बहुत ही प्रिटी लुक देता है। लाइक ओवरऑल लुक गुजराती आता है। गुजरात में जो मारवाड़ी होती हैं वो इस तरह से शॉर्ट कुर्ती के साथ स्कर्ट एंड दुपट्टा पेयर करती हैं, जो बहुत ही प्यारा लगता है। तो सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे पीच मिल्क मॉइस्चराइज़र। ये मॉइस्चराइज़र स्किन को सॉफ्ट एंड ग्लोइंग बनाता है, प्लस ऑल टाइम माय फेवरेट। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ गुड वाइब्स का स्किन ग्लोइंग सीरम, इससे आपके स्किन पे बहुत ही अच्छा ग्लो आ जाता है। देन मैंने लिया है कूलर बार का प्राइमर, बहुत ही अच्छा प्राइमर है, एक अच्छा सा बेस क्रिएट करता है और आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग एंड फ्लॉलेस लुक देता है। इसे हम अपने पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। अब मैं अपने आईब्रो को एक आईब्रो पेंसिल से सेट कर लूँगी। ये मिस क्लेयर का ब्राउन शेड है। मेरा आईब्रो थिक है सो मुझे हल्का सा टचअप देना होता है। अब मैं इसे एक आईब्रो ब्रश की हेल्प से सेट कर लूँगी। फिर मैं यूज़ कर रही हूँ कंसीलर, ये स्विस ब्यूटी का कंसीलर है, बहुत ही अच्छा कंसीलर है ये और चिपेस्ट प्राइस में है। अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आई मेकअप के लिए मैं इससे एक बेस रेडी कर रही हूँ जिससे आई मेकअप अच्छे से हो सके, और इसे मैं एक ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। देन मैं एक लूज पाउडर लेकर के इसे अच्छे से सेट कर लूँगी जिससे जो मेरा आई मेकअप है वो केकी ना लगे। देन मैं स्विस ब्यूटी के आई पैलेट से पिंक कलर पिक कर रही हूँ और उसे एक बेस रेडी कर लूँगी। देन मैं लैक्मे 925 आई पैलेट से ग्रीन सेट पिक कर रही हूँ और इसे मैं आउटर कॉर्नर पे प्लेस कर रही हूँ और हल्का सा क्रीज कट भी दे रही हूँ जिससे हमारा आई मेकअप इन्हेंस लगेगा। इसके बाद मैंने कंसीलर को एक पतले ब्रश की हेल्प से अपने इनर कॉर्नर से बीच के आईलेट तक अप्लाई करूँगी। उसके बाद उसे हम एक कट क्रीज तैयार करेंगे जिससे जब हम ग्लिटर आई शेडो प्लेस करेंगे तो अच्छे से हमारा जो आई मेकअप है वो दिखेगा। देन मैं निका आई पैलेट से गोल्डन ग्लिटर सेट ले रही हूँ और अपने इनर कॉर्नर पे प्लेस कर रही हूँ। हमें इसे पूरे आईलेट पे नहीं लगाना है, ओनली इनर कॉर्नर पे प्लेस करना है। फिर मैं ले रही हूँ मिस क्लेयर का पिंक आई शेडो, इसे मैं अपने बीच के आईलेट पे अप्लाई कर लूँगी। देन मैं इस पे अपने फिंगर की हेल्प से ग्लिटर प्लेस कर दूँगी और ब्रश की हेल्प से उसे सेट कर लूँगी। आईलाइनर के लिए मैं ले रही हूँ नायका का ग्रीन आईलाइनर, बहुत ही अच्छा आईलाइनर है और बजट में भी है। सभी प्रोडक्ट्स के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। मस्कारा में मैंने यूज़ किया है मैबलिन का मस्कारा, सॉरी फॉर दैट मेरे से स्किप हो गया है, मैं ये प्रोसेस आपको दिखा नहीं पाई। देन मैं सेम कंसीलर को अपने अंडर आई
चिन एरिया और नोज़ एरिया पे अप्लाई कर लूँगी उसे हाईलाइट करने के लिए, और एक ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। फाउंडेशन में मैं ले रही हूँ SQ का फाउंडेशन, बहुत ही अच्छा लिक्विड फाउंडेशन है ये, आपके बजट में है और अच्छा कवरेज देता है। फाउंडेशन आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग लें तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं हमेशा फाउंडेशन अपने स्किन टोन के हिसाब से ही लेती हूँ। अब हम इसे अच्छे से ब्लेंड कर देंगे एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से। फाउंडेशन को आप जितने अच्छे से ब्लेंड करेंगे आपका आई मेकअप उतना ही फ्लॉलेस दिखेगा। अब मैं फेस को कंटूर कर लूँगी। कंटूर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ SQ का कंटूरिंग पैलेट, इसमें से मैं डार्क ब्राउन शेड ले रही हूँ। बहुत ही अच्छा कंटूरिंग पैलेट है, और मैं अपने जो एरिया को कंटूर कर लूँगी, नोज़ एरिया को कंटूर कर लूँगी। देन मैं स्विस ब्यूटी पैलेट से मैं पिंक कलर पिक कर रही हूँ और एज अ ब्लश अप्लाई कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा से अप्लाई हो गया है, आप देख सकते हैं। एंड मिस क्लियर हाइलाइटर से मैं अपने नोज़ को, ब्रोन को और जो हाईलाइट करना है सभी एरिया को हाईलाइट कर लूँगी। अब हम आई मेकअप को भी कंप्लीट कर लेते हैं। काजल में मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे आइकॉनिक काजल, बहुत ही अच्छा काजल है ये। देन मैं सेम पैलेट से पिंक शेड को अपने लोअर आई लाइन पे अप्लाई कर लूँगी, इससे हमारा आई मेकअप बहुत ही प्यारा दिखता है। लिपस्टिक में मैं अप्लाई कर रही हूँ फेसेस कनाडा की लिपस्टिक, बहुत ही प्यारा सा पिंक कलर है और जो मेरे ड्रेस से भी मैच करेगा। देन हम एक सेटिंग स्प्रे की हेल्प से अपने पूरे मेकअप को सेट कर लेंगे। इस मेकअप लुक को मैंने पूरी तरह से गरबा नाइट के लिए रेडी किया है। सो हमारा मेकअप कंप्लीट हो गया है। आपको आज का मेकअप कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल PRN शानवी को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं आपसे फिर मिलूँगी अपने नए वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय। Cause he's got those stranger eyes, stranger eyes, stranger eyes.